नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। दोस्तों, बीते काफी लंबे समय से लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि अंकित जी कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपको बताएं कि पशुओं की आखिर हम लोग टैगिंग क्यों करते हैं। तो उस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि जो पशुओं के कान पे हम लोग अपनी जो गाय भैंस होती है उनके कान पे जो हम एक टैग लगाते हैं प्लास्टिक का, येलो कलर का या व्हाइट कलर का, उस पर एक बारकोड मेंशन होता है, तो आखिर हम वो टैग क्यों लगाते हैं और उससे हमारे किसान भाइयों को जो पशुपालन करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, तो चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं व्हाइट नेक्टर A2 मिल्क, ये जो डेयरी फार्म है नोएडा में सेक्टर 135 में स्थित है। जैसा कि आप ये देखेंगे यहाँ पर इतने सारे पशु हैं, अधिकतर इसमें से गिर गाय हैं और कुछ इसमें से हमारी साहिवाल गाय हैं। तो हमारा उद्देश्य जो रहता है पशुपालकों का अपनी गायों के कानों पर टैगिंग लगाने का, इसका मुख्य मकसद होता है कि हमें अपने पशु की पहचान हो। तो आप ये देखेंगे ये पशुपालन विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं, इसमें एक बारकोड और एक नंबर मेंशन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आपको अगर किसी पशु के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको वो उससे पता रहती है, चाहे वो आपका पशु कितना दूध दे रहा है, आपका पशु कितनी उसकी आयु है, वह अब तक वो कितने बच्चे दे चुका है। तो आप ये देखेंगे सारे पशुओं के यहाँ पर कान पर टैगिंग है। ये हमारी गिर गाय है, देखिए आप कितनी बढ़िया गाय है ये। तो ये आप देखेंगे, ये इसके, मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये इसके टैगिंग है और ये पशुपालन विभाग द्वारा लगाई जाती है। वो कई भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसको लगाती हैं। तो इसको लगाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया, एक तो आपके पशु की पूरी जानकारी रहेगी। अक्सर लोगों के सामने समस्या आती है कि उनका रिकॉर्ड रखना मुश्किल रहता है कि वो उनकी गाय उनकी भैंस कितना दूध देती है या उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको कैसे ब्यावन हुई है, कितने बच्चे अब तक हुए हैं या किस बीमारी से वो ग्रस्त है, उसको कौन सी दवाई लगाई जा रही है। तो एक डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बड़ी आसानी रहती है। वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो आपको इस बार कोड की मदद से आसानी से हो सकता है। अगर आपका पशु कहीं गुम हो जाता है, सपोज़ भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका पशु कहीं खो जाए, तो अक्सर लोगों की समस्या आती है वो अपनी गाय भैंस ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो अगर आप इस कोड की मदद से, बहुत से कोड ऐसे होते हैं आजकल जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऐसे कोड भी ईजाद कर चुकी हैं, मतलब ऐसे टैग ईजाद कर चुकी हैं जिसमें GPS सिस्टम लगा है, तो आप उसको कहीं भी ट्रेस कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपके पास फ़ोन में कहीं भी कुछ है तो आप उसको टैग कर सकते हैं। माफ़ करिएगा, ये गाय थोड़ी डर गई। तो मेन उद्देश्य मैंने आपको बताया कि आपका पशु अगर कहीं खो जाता है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है। अगर आपके पशु को कोई बीमारी है आपको पूरा उसका रिकॉर्ड, उसको आपका मेंटेन रहेगा। सरकारी योजना का अगर आपको लाभ उठाना है, अगर आप पशुपालक हैं और सरकार से किसी भी योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो वो आपको इस टैग की मदद से मिल जाता है। और एक और चीज़, अगर आपके पशु की कोई हानि होती है, अचानक कोई मृत्यु हो जाती है आपके पशु की, तो सरकार इसका बीमा करती है। इसी टैग की मदद से आपके पशु का बीमा भी सरकार कर रही है। अब वो जितनी भी कुछ प्रदेशों में अलग अलग स्कीम्स हैं पशुपालकों के लिए, तो उसका अलग जो मूल्य मिलता है अगर आपके पशु मृत हो जाता है, तो वो उस बार टैग की मदद से आपको वो एक राशि सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, आपको मुहैया कराई जाती है। लेकिन प्रदेशों में ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि कहीं पर इसकी बताते हैं एक पशु की कीमत गिरगी साहिवाल की 80,000 तक दी जाती है और एक आधार पर 5 गाय आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको सरकारी योजनाओं का लाभ देखने के लिए, फ़ायदे देखने के लिए पशुपालन से संबंधित आपको उसकी वेबसाइट पर जाके देखना होगा। उत्तर प्रदेश की अलग योजनाएँ हैं, हरियाणा सरकार की अलग है, राजस्थान की अलग है। तो मुख्यतः पशु क्या जो हम टैग करते हैं उसका उद्देश्य ये रहता है कि उसका पूरा रिकॉर्ड मिल सके, अगर कहीं वो खो जाता है तो उसका रिकॉर्ड हमें मिल सके GPS के ट्रैकिंग के थ्रू। और इसके अलावा कोई अगर आपके साथ पशु के साथ दुर्घटना हो जाती है या पशु आपका मृत हो जाता है तो उसकी एक राशि आपको मिल सके। अच्छा करते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, पशु टैगिंग से संबंधित जो हमने आपको जानकारी दी आपके वो काम आएगी। अगर आप भी अपने पशुओं को टैग आपने अब तक नहीं कराया है तो अपने पशुओं को टैगिंग की व्यवस्था कराएँ, आसपास के पशुपालन विभाग से जाके आप मिले और अपने पशुओं को टैग ज़रूर लगवाएं। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे खबर किसान की यूट्यूब चैनल, अंकित शर्मा के साथ। धन्यवाद।